अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? अब मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे मेहंदी लेके। कायनात को लगानी है मेहंदी, क्योंकि कल है ना, कल है आज़ान की शादी, जो कि मैं नहीं जाऊँगी ना ही कोई और जाएगा, सिर्फ कायनात और शामिर की दावत है, तो शामिर और कायनात ही जाएंगे। तो फिर और बच्चे जाएंगे, तो हम अभी लगाएंगे कायनात की मेहंदी। तो बताइएगा कैसी लगाई है। कायनात अभी बैठी हुई है अपनी मेहंदी के लिए डिज़ाइन देखने। मैंने कहा भाई डिज़ाइन निकालो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी। तो अभी इसका वेट करते हैं कि ये अपने डिज़ाइन निकाल रही है, उसके बाद हम इसके मेहंदी स्टार्ट करेंगे। आपको ये रो छोटे बनने ढूंढो आप। तो यहाँ पे लग रही है मेरे मेहंदी बड़ी मेहनत से, और मुझे आ रही है बड़ी शदीद नींद। और ये हमारी मेहंदी वाली हेलो कर दें आप ज़रा। तो ये मेहंदी लगा रही है यहाँ पे। तो भाई मैंने लगा दी है कायनात की मेहंदी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को मेहंदी। अभी उसके हाथ में भी लगानी बाकी थी, तो अब इसके हाथ में भी लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो भाई लग गई है कायनात की मेहंदी, जो कि बच गए हैं रात के 3:30, और यहाँ पे मेहंदी लग चुकी है। कायनात कैसी है? अच्छी है। पेल दिया बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, बाकी मसला नहीं है। मेरी तैयारी देखकर तो लग ही रहा होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ मरियम के पास, फिर वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए। A few moments later. आ गए हैं हम अरीना, और अब चलते हैं आप अंदर। तो अरीना और मैरीटाइम म्यूजियम की बस दीवार का ही फासला है, बाकी तो पूरा मैरीटाइम म्यूजियम यहाँ से हमें नजर आ रहा था। यहाँ पे हो रहा था थोड़ा सा छोटा मोटा फंक्शन। तो हम आ चुके हैं अरीना, और फिर बैक साइड पे है मैरीटाइम म्यूजियम। तो हम जाएंगे पहले अरीना में, अभी पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, तो अब चलते हैं हम। फाइनली हम आ गए हैं अरीना के अंदर। और अब मज़ीद अंदर आने के लिए हम यहाँ से करेंगे एंट्री। और यहाँ पे अलग से बच्चों के भी कूपन वाले झूले थे। हमने सोचा पहले कहीं बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास थे कूपन्स, तो वो निकालते हैं और उसी तरफ हम देखेंगे कि किस तरफ हमें जाना है। तो यहाँ पर है टेनिस, जो कि प्राइवेट था, तो उस तरफ हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, तो हम यहाँ से चलेंगे। और यहाँ है आइस हॉकी पे हम आए थे, हमने कहा चलो हम ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा हों तो मज़ा आए, तो कि गिरे तो फिर पता ना चले ऐसे, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ खड़े होके हो गई थी हमें देर, हमने कहा चलो इंडोर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है अंकल का स्नूकर। AK-47, जो कि मुझे शौक बहुत है फायरिंग करने का, तो फिर मैंने कहा चलो यहीं पे ही शौक पूरे कर लेते हैं, हम ये वाला गेम खेल लेते हैं। तो भाई फाइनल हुआ कि हम वो खेलने वाले हैं, लेकिन हमने कहा पहले उसको तो बुलाकर लेकर आए जो हमें एक्टिव करके देगा। तो यहाँ पे और भी लोग खड़े हुए थे यहाँ पे, तो ये लोग स्टार्ट करने वाले थे अपने स्टेप डांसिंग वाला गेम। तो हमने कहा पहले इनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम ट्राई करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं था ट्राई। और यहाँ पे टेबल टेनिस रिजर्व थी, हमने कहा चलो हम यही खेल लेते हैं पहले, क्योंकि हम उसको बुलवा कर लेकर आए थे कि हमें ये एक्टिव करके दे दो।
ये खेला हमने गेम, लेकिन बहुत ही जल्दी ओवर हो गया था और हमें पता भी नहीं चल रहा था कि कब मर रहा है, कौन मर रहा है, कैसे मर रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा था, बस गने चल रही थी। वो गेम ख़त्म होने के बाद हम सेकंड गेम देख रहे थे कि आप कौन सा खेलें। हम तो इनका भी गेम स्टार्ट हो चुका था और ये लोग भी अपना गेम्स खेल रहे थे। इनसे बराबर मैंने ये गेम ख़त्म होने का यहाँ ये भाई अपनी ताकत आजमाना चाह रहे थे, तो हमने कहा चलो इनको अपने व्लॉग में लेते हैं, फिर हम भी ट्राई करते हैं कि हम में कितनी ताकत है। इनकी तो हमसे ज़्यादा ही होगी डेफिनेटली। तो इनका भी देखते हैं इनमें कितनी ताकत है। ओह नाइस, हमने कहा कि चलो हम भी आजमाते हैं थोड़ा सा, और हमने थोड़ा सा ही मार के नीचे कर दिया, वो डांस करने लग गया तो पूरा ही भर गया था। तो वही खेल लिया हमने ये गेम और अब चल रहे हैं ऊपर। तो अब है हमारा मूड यहाँ जाने का, तो अब चलेंगे यहाँ पे, तो हम करेंगे यहाँ पे बाले। फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ और बॉल को मैंने थ्रो कर दिया है और यहाँ हो गया है मेरा मोए मोए। तो हमने कहा कि दोबारा चलो ट्राई करते हैं, अभी तो हमारी बहुत सारी टर्न्स बाकी हैं, कुछ तो जाएगा ही किसी भी टर्न में। तो सेकंड बारी भी हमने कहा करते हैं हम थ्रो और जाने वाली है और लग गई। तो फाइनली सारी नहीं तो कुछ तो गई ही सही। तो हमने गेम्स वगैरह ख़त्म करने के बाद हमने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर हम चलेंगे कुछ खाने। तो करते हैं हम ऑर्डर, तो क्या ऑर्डर करें। तो हमारे पास कूपन्स थे, हमने कहा चलो हम स्टेक ऑर्डर करते हैं, तो हम लोगों के पास बाय वन गेट वन फ्री की डील में दो स्टेक आएंगे। तो हमने एक मंगवाया था, एक फिश वाला और एक बीफ स्टेक, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। तो आ गए हैं हमारा ऑर्डर, तो एक ऑर्डर तो हमारा आ गया था जो था अमेरिकन बीफ स्टेक, और दूसरा आने वाला था, दूसरा भी आ गया था जो कि था फिश स्टेक और था एक अमेरिकन बीफ स्टेक। तो हम इसको जल्दी से खाना शुरू करते हैं और बताते हैं कैसा है। क्योंकि हो गया था बहुत ज्यादा लेट। तो इसी के साथ व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।